तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ आपके वाराणसी के कपसिटी के, ये है कंदिया फाटक। हालांकि इसे गांव के लोग कन्या फाटक, कनक फाटक यानी कई नामों से इसे जानते हैं। तो ये है कनक फाटक आपका यानी कंदिया फाटक। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि वाराणसी के कपसेठी में ही सरावा गांव में स्थित है आपका माँ भद्रकाली का बहुत ही प्यारा सा मंदिर। तो उसी का नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। तो यही जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधे आपका सरावा गांव के लिए जाएगा। और बगल में ही देखिए यहाँ पर दुर्गा पंडाल लगा हुआ है और इसमें सुबह का समय है, यहाँ पर आरती हो रहा है इस समय। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देखिए ये रोड पे यानी वरुणा पुल पर यह पुल बनाया गया है और इधर है आपका वरुणा नदी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे, जो कि आगे ही जाने पर आपका रामेश्वर होते हुए अपने वाराणसी शहर के लिए जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा तिराहा है जो कि बाएं साइड में हम लोग को मुड़ना पड़ेगा वहाँ भद्रकाली जाने के लिए। तो जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं आ रहा है, जो सभी लोग अपना दर्शन करके अब जा रहे हैं अपने घर के लिए सब। तो धीरे धीरे यह फसल भी लगभग तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका पीलापन आ चुका है। देख रहे हैं कहीं से आपको रोड लग रहा है कि रोड एक है कि देख रहे हैं सभी लोग अपना बाइक से दर्शन करते हुए सभी लोग जा रहे हैं। ये देखिए ये घना आबादी वाला जगह है यानी गांव है, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे तो जगह जगह आपका ब्रेकर भी बनाया गया है। और
वैसा ही जिस प्रकार ब्रेकर बनाया गया है जगह जगह, वैसे रोड आप ढंग का बन गया रहता तो कितना बढ़िया रहता। ये देखिए यहाँ देखेंगे तो आपका मार्केट भी लगना शुरू हो चुका है, और देखा जाए तो यहाँ से मार्केट भी आपका शुरू हो जाता है। कभी कभी देखेंगे ज़बरदस्त भीड़ रहता है, इसमें नवरात्र का भी समय है, जहाँ तक हमको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा। ये देखिए यहाँ से आपका मार्केट ये चालू हो चुका है, और यह जो देख रहे हैं यह है आपका वाहन स्टैंड, चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है आपका वाहन स्टैंड। तो चलिए हम भी अपना गाड़ी लगा देते हैं वाहन स्टैंड में। तो दोस्तों मैंने अपना बाइक आपका वाहन स्टैंड में खड़ा कर दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये रसीद भी मिल चुका है, जो कि 10 रुपये इसका लग रहा है, और यह नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और देखा जाए तो ये आपका है प्रवेश द्वार, और देखिए इस साइड भी आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है। भोरे बाबा भोरे ना। आपका समर शेबुल लगाया जा रहा है, हालांकि देखा जाए तो पहले से काफी ज्यादा यहाँ पर भी आपका विकास कार्य हो रहा है। और पहले देखा जाए ये जो आप देख रहे हैं जो दीवार जो घिरा हुआ है, पहले ये घिरा हुआ नहीं था। तो ये नज़ारा कुछ इस प्रकार है, यहाँ देखिए चाट गुलगप्पा की भी दुकानें हैं। आपको सुबह सुबह इस मार्केट में आपको मंचूरियन भी मिल जाएगा। और देखिए इसी मैदान से ये जो मार्केट है, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए पहले यहाँ पर भी आपका हवन कुंड था, और धीरे धीरे देखा जाए तो बहुत बदलाव आ गया ये भद्रकाली मंदिर में भी, क्योंकि पहले आप देख रहे होंगे दीवार पूरा वहाँ तक था, उसे भी यानी बढ़ाकर आप देख रहे होंगे जो कि यहाँ तक इसे अब घेरा जा रहा है। और यहाँ पर है काल भैरव जी का प्रतिमा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और इस साइड हनुमान जी, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और ऊपर ही जाने पर आपका शंकर जी का प्रतिमा है, चलिए उसको भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सीढ़ी बना हुआ है,
और देखा जाए तो इसी मंदिर में आपका बच्चों का मुंडन भी होता है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं सामने। ये देखिए इस साइड आपका ये देख रहे हैं, और यहीं पर नल भी लगा हुआ है। यहाँ ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यवस्था भी है और काफ़ी लंबा चौड़ा जगह भी है। और इस साइड देखिए आपका पूड़ी हलवा बनाया जा रहा है, जो कि माँ भद्रकाली को चढ़ाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा भी बना हुआ है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मंदिर जहाँ पर भद्रकाली जी विराजमान है। तो देखिए यही जो रास्ता है आपका सीधे यानी पहले मंजिल पर जाएगा, जो कि वहाँ पर माँ भद्रकाली जी उनका प्रतिमा स्थित है। Yeah.
तो दोस्तों यह था आपका सरावा गांव वाराणसी के, यानी वाराणसी के सरावा गांव में स्थित माँ भद्रकाली जी का मंदिर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।